अस्सलाम वालेकुम। आज मुमताज रेसिपी में मैं आपको आलू का चिवड़ा बनाना बता रही हूँ। जो मीठा चिवड़ा अक्सर हम बहुत शौक से खाते हैं, मैं वो आपको बनाना बता रही हूँ। कोई मुश्किल चीजें नहीं है। मैंने आपको साबूदाने का चिवड़ा बनाना बताया, बस साबूदाने की जगह पर हम आलू यूज करेंगे, बाकी सब कुछ मेथड वही है। इसके लिए मैंने ली हूँ तकरीबन आधा किलो आलू समझ ले, या 5 आलू ले ले आप। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके का जो खुरची होती है, खोपरा वगैरह हम खुरचते हैं, आपको खुरची ले ले। और ये आलू, आलू को आपको ऐसा लेना है, आपको ऐसा नहीं, ऐसा अगर आप करते हैं यानी कि इस तरीके से अगर आप लेते हैं तो आलू जो है तो आपके उसके छोटे छोटे चिप्स सली निकलेगी। आप अगर इस तरीके से करते हैं तो पूरे बड़े बड़े सली आएगी। ये आपने लिया, हाथ को आपने बहुत संभालना है और पानी में ही ऐसा कर रख के करेंगे ना आप तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपने ऐसा साइड में किया अलग से सूखे बर्तन में तो आलू का कलर खराब हो जाएगा। इतना हो गया, छोड़ दे आप इसको, वरना हाथ अगर आप और करने को जाएंगे तो फिर ये देखिए होता नहीं है और फिर हाथ हमारा अंगूठा आ जाएगा इसमें। कैसी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी लंबी, इसी तरीके से आपको बाकी के भी आलू कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बड़ी बड़ी स्लाइस जैसे ये सल्ली बनी है। देखिए आप जैसा बताए उसी तरीके से आपने आलू को करना है। अब इसमें से निकाल कर मैं इस साफ पानी में इसको डाल देती हूँ। हल्के हाथ से इसको दबा दें और इसमें डाल दें। जब तक है इसका जो ये जो पानी का मैलापन है वो खत्म नहीं हो स्टार्च, तब तक के आपको 3 से 4 पानी में इसको धो लेना है। आप जब आलू इस तरीके से नहीं धोएंगे तो आप फ्राई करने के टाइम पे लाल हो जाएगा ये। अब ये पानी फेंक के मैं दूसरे पानी से करती हूँ। ये देखें अभी वापस मैं इसमें डाल रही हूँ इसको। फिर से इसको एक पानी से और धोएंगे। ये देखें थोड़ा लग रहा है ना पानी में हल्का सा स्टार्च, एक पानी से हम और धो लेंगे। अभी आप क्या करोगे, ऐसा कोई साफ टावेल होगा, दुपट्टा होगा, साफ कपड़ा है, आप वो लें, उसके ऊपर ये तमाम आलू को ऐसा डाल दें। धीरे से उसको घुमा के उसमें जितना पानी उसे आप निकाल दें, कोई सुखाने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए आप पानी निकल रहा है इसमें, जितना आप इसको दबा के संभाल कर निकाल सकते हो उतना पानी आप निकाल दें। ये देखिए है ना पानी इसका अच्छा निकल गया। थोड़ा थोड़ा तो रहेगा, अब एकदम से तो हमको इसको सुखाना नहीं है, बस हल्के से इसको इस तरीके से इसका पानी निकाल दें। इसको फ्राई करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है आपका जो तेल है अच्छा गर्म होना चाहिए। तेल जब अच्छा गर्म होगा तब इसको इसमें डाल के फ्राई करेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे क्रंची बनेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है, पहले हम थोड़ा सा डालेंगे बस, इससे ज्यादा इसको कलर ना दे वरना ये कलर खराब हो जाएगा। प्याज फ्राई करते हैं हम कैसा फौरन निकाल लेते थोड़े में ही, बिल्कुल उसी तरीके से अब आपको इसको फ्राई करना है। टिश्यू पेपर पे आप निकाल दें इसको, सेंग को फ्राई कर लेते हैं। सेंग हमको कैसे समझ में आएगा कि सेंग हमारी फ्राई हो गई है, ये देखिए चट चट आवाज भी आ रही है और इस तरीके से सेंग का मुंह देख रहे हैं खुल जाता है। अरे सेंग हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। इससे ज्यादा तलोगे तो फिर ये क्या होगा, काले हो जाएंगे। बस इसको भी ज्यादा फ्राई मत करें वरना काले हो जाएंगे, थोड़े से काले। बस खोपरे को भी और ज्यादा मत करें वरना काले काले हो जाओ। सुने आवाज आपने,
अभी इसमें आप किशमिश, कड़ी पत्ता थोड़ा सा आप क्रंच करके डाल दें। काजू, सेंग और खोपरा ये आप डाल दें। शक्कर का पाउडर, पिसी हुई शक्कर वो थोड़ी सी डाल दें। ये हो गया, हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लें। अभी इसमें आपने एक चम्मच चाट मसाला। अब चाट मसाले में नमक भी है, काला नमक भी है, काली मिर्च भी है, जीरे का भी पाउडर है, ये तमाम चीजें इसमें है, इसलिए आप चाट मसाला डाल दें। काला नमक, सफेद नमक, ये वो चक्कर में ना पड़े आप। आलू चिवड़ा तैयार है। आप भी इसे बनाएं और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। आप इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।